रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, शोध क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, मनोवैज्ञानिक शोध क्या है, तो मनोवैज्ञानिक प्रयोग क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है। तो जब हम इन पार्ट्स में आगे बढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकल सीखेंगे, उससे पहले आपको एक बेसिक नॉलेज जरूरी है कि रिसर्च क्या है, कैसे आप डेटा कलेक्शन करेंगे, कैसे आप वेरिएबल्स को लेंगे, कैसे आप उनको उनमें मैनिपुलेशन करेंगे, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे रिसर्च की, या फिर इसको आप छोटे तौर पर ले सकते हैं कि आप इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपको मदद करेगा आपके प्रैक्टिकल्स को करने में। तो जैसा कि रिसर्च शब्द से ही समझ में आ रहा है, री प्लस सर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। री का मतलब क्या होता है, पुनः फिर से, और सर्च का मतलब होता है खोज करना, यानी कि क्या कर रहे हैं आप, किसी चीज की पुनः खोज कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं इसे, हिंदी में तथ्यों की खोज कहते हैं, और सामान्य अर्थ में अगर हम इसको आम भाषा में इसको बात करें तो हम क्या कहते हैं, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, हम नई नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ठीक है, हम नई नई ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो क्या होता है, अब जो हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च की, तो इसमें क्या होता है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हर चीज होती है, जो भी रिसर्च होती है काफी सिस्टमैटिक होती है, इसमें वेरिएबल्स का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसको कंट्रोल कंडीशंस में किया जाता है। एक रैगमैन और मोरी थे, उन्होंने रिसर्च को डिफाइन करते हुए कहा था कि रिसर्च में हम क्या करते हैं, रिसर्च में हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और कैसे करते हैं, उसको व्यवस्थित करके करते हैं, उसको सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा शोध कार्य किए जाते हैं, और क्योंकि ये सिस्टमैटिक तरीके से किए जाते हैं इसलिए इनको वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। वैज्ञानिक शोध से जो अर्थ होता है वो यही होता है कि जो आपके पास शोध की विषय वस्तु है, यानी सब्जेक्ट का जो मैटर है, उसको आप कंट्रोल कंडीशन में रखकर उसका एक वैलिड जनरलाइजेशन करते हैं, एक वैध सामान्यकरण करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। इससे ये बात क्या होती है, स्पष्ट हो जाती है कि जो हमारा वैज्ञानिक शोध है, जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है, वो क्या हो रही है, वो एक कंट्रोल कंडीशन में हो रही है। ठीक है, जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं, यानी कि जिनको हिंदी में हम चर कहते हैं, उनका एक निश्चित पैटर्न होता है, एक सेट होता है, और उन सेट को नियंत्रित करके रखा जाता है, और इसको इसकी जो इसको इसका मेजरमेंट करने की जो टेक्निक होती है वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होती है, हम उसको साइंटिफिकली ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए हम इसको वैज्ञानिक शोध कहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। और जब हम ये रिसर्च करते हैं तो इसके बाद जो हमको रिजल्ट मिलते हैं, जो हमको परिणाम प्राप्त होते हैं, उनका ना हम क्या करते हैं, विस्तृत सामान्यकरण करते हैं, ब्रॉड जनरलाइजेशन करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जनरलाइजेशन का क्या मतलब है, तो अगर आप सामान्य अर्थों में देखेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं। जब भी हमको किसी बड़ी जनसंख्या का अध्ययन करना होता है, मान लीजिए आपसे अगर कहा जाए कि आपको शिक्षकों के चिंता स्तर का मापन करना है, अब पूरे भारत में शिक्षकों की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी, तो क्या आप एक एक शिक्षक को लेकर उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनका अध्ययन हम नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल लेते हैं, और सैंपल लेने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, रैंडम टेक्निक्स होती हैं। तो जब हम कुछ लोगों को, पूरी जनसंख्या में से कुछ लोगों का चयन करके उन लोगों पर कोई अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उससे हमको जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, उससे जो हमको निष्कर्ष मिलते हैं, परिणाम मिलते हैं, हम उनको उस पूरी जनसंख्या पर लागू कर देते हैं, जो जनसंख्या उन्हीं टीचर्स के अनुरूप विशेषताओं या गुणों को रखती होगी। ठीक है, तो हम उस रिजल्ट को उस पूरे टीच उन टीचर्स सारे टीचर्स पे अप्लाई करते हैं कि हाँ, सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि टीचर्स में चिंता विकृति पाई जाती है या नहीं पाई जाती। हमने तो लिया सिर्फ 50 टीचर्स को, लेकिन हमने रिजल्ट पूरे टीचर्स वर्ग का दिया, पूरे जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए रिजल्ट दिया। इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन करना, किसी भी रिजल्ट का हमने क्या कर दिया, जनरलाइजेशन कर दिया। हमने जो भी हमने सैंपल लिया था, उस सैंपल से जुड़ी हुई जितनी भी जनसंख्या थी, जो उस विशेषताओं को रखती थी, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को रखती थी, उस विशेषताओं के उन उन उस पूरे कि उस पूरे मतलब उस पूरे सैंपल पर और उस पूरी जनसंख्या पर हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन कर देते हैं। हम कहते हैं कि पूरे शिक्षकों के वर्ग में चिंता विकृति
पाई जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो वैज्ञानिक शोध होते हैं इनमें ब्रॉड जनरलाइजेशन होता है, हम थोड़ा सा सैंपल लेकर उसमें स्टडी करते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं, उसको उसके तौर पर सारे लोगों का रिजल्ट हम दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप रिसर्च करने आगे जाएंगे या आपने रिसर्च भी करी होगी, तो आपने जिस विषय पर रिसर्च करी होगी उसने कुछ सैंपल लिया होगा रिसर्च करने के लिए, लेकिन आप जब उसका कंक्लूजन देते हैं, जब आप आखिरी में डिस्कशन देते हैं, उसका निष्कर्ष देते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप पूरे एक उस जिस समुदाय विशेष पर या जिस स्थान विशेष पर आपने रिसर्च की होती है वहां के सभी लोगों के लिए वो रिजल्ट दे देते हैं कि हाँ इस वर्ग विशेष के लोगों में ये विशेषता पाई जाती है, इस वर्ग विशेष के लोगों में चिंता अधिक पाई जाती है, इनकी समायोजन क्षमता इतनी होती है। लेकिन हमने उन सब लोगों को नहीं लिया था, हमने कितनों को लिया था, 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को, लेकिन हमने रिजल्ट किसके में सभी लोगों को उसका हिस्सा मान करके रिजल्ट दे दिया। अब बात आती है मनोवैज्ञानिक शोध की, साइकोलॉजिकल रिसर्च की। तो मनोवैज्ञानिक शोध क्या है, कभी आपने अगर इसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचा होगा तो मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, अलग अलग फील्ड्स होते हैं। ठीक है, आप मनोविज्ञान में पॉजिटिव साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, आप एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, आप सोशल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड हैं। तो इनमें होने वाले शोधों को, इन अलग अलग फील्ड में होने वाले शोधों को, चाहे वो प्रयोगात्मक शोध हो चाहे वो अप्रयोगात्मक शोध हो, साइंटिफिक रिसर्च हो या नॉन साइंटिफिक रिसर्चेस हो, हम उनको मनोवैज्ञानिक शोध की दृष्टि से देखते हैं, मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत हम उनको रखते हैं। एक डी एमेटो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1970 में मनोवैज्ञानिक शोध को परिभाषित करते हुए कहा था कि मनोविज्ञान शोध के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं उनकी जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी तरीके की समस्याओं को हम मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत रखते हैं। और यही परिभाषा उन्होंने दी थी कि जो चाहे वो हम उन समस्याओं का अध्ययन प्रयोगात्मक रूप से कर रहे हैं चाहे हम अप्रयोगात्मक रूप से कर रहे हैं, वो सारे शोध क्या कहलाते हैं, वो मनोवैज्ञानिक शोध कहलाते हैं। और अगर हम मनोवैज्ञानिक शोध की बात करें तो मनोवैज्ञानिक शोध को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है थ्योरेटिकल रिसर्च यानी कि सैद्धांतिक शोध, और दूसरा होता है आनुभाविक शोध यानी कि एम्पिरिकल रिसर्च। सैद्धांतिक शोध यहाँ पर आपको इसके नाम से समझ में आ गया होगा, सिद्धांत थ्योरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसको थ्योरेटिकल रिसर्च इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं या जो शोधकर्ता होते हैं या जो जो भी शोध कर रहा होता है वो क्या करता है, सिद्धांत, किसी सिद्धांत का निर्माण या विकास करता है। ठीक है, या तो आप किसी नई थ्योरी को बनाएंगे या किसी जो पुरानी थ्योरी होगी उसमें अपने जैसे रिसर्च है पुनः अन्वेक्षण है, फिर से आप खोज कर रहे हैं, तो किसी पुरानी थ्योरी में नई खोजों को सम्मिलित आप करेंगे, उसमें नए भागों को जोड़ेंगे, नए पहलुओं को जोड़ेंगे, नए एस्पेक्ट्स को जोड़ेंगे। तो जो ये थ्योरेटिकल रिसर्च होती है इसमें शोधकर्ता या फिर स्टूडेंट जो भी है वो क्या करता है, या तो किसी सिद्धांत की रचना करता है, किसी सिद्धांत का निर्माण करता है या थ्योरी कंस्ट्रक्शन करता है, या फिर किसी बनाई हुई थ्योरी का फिर से विकास करता है। अब इस सैद्धांतिक शोध के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है पुस्तकालय शोध यानी कि लाइब्रेरी रिसर्च, और दूसरा होता है सिद्धांत रचना यानी कि थ्योरी कंस्ट्रक्शन। अब लाइब्रेरी शोध तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे, पुस्तकालय शोध है, लाइब्रेरी शोध है, जिसमें तो हम क्या करते हैं, अधिकतर मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र में इसका उल्लेख होता है, आपने इसका नाम भी सुना होगा। पुस्तकालय शोध एक वैसे शोध को हम कहते हैं जिसमें जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, वो डेटा कलेक्शन नहीं करता। ठीक है, आप जैसे और जो हम रिसर्चेस करते हैं इसमें हम क्वेश्चनर लेते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनसे क्वेश्चनर फिल करते हैं, क्या कर रहे हैं, हम डेटा कलेक्ट तो कर रहे हैं, हमने कहा हम IQ का टेस्ट कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट का टेस्ट कर रहे हैं, हम लाइफ सेटिस्फेक्शन का टेस्ट कर रहे हैं, हम वेलबींग का टेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चनर लेते हैं और जो भी हमारा सैंपल होता है, जहां भी हमको जाना होता है वहां जाते हैं, उन लोगों से उस क्वेश्चनर को फिल कराते हैं, उस क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। लेकिन जो ये लाइब्रेरी रिसर्च होती है, पुस्तकालय जो शोध होता है, इसमें जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, वो डेटा कलेक्शन नहीं करता, आंकड़ों का संग्रह नहीं करता। ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, यानी मान लीजिए आप लर्निंग के क्षेत्र में आप अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, लर्निंग आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा,
तो अगर मान लीजिए आप लर्निंग के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं तो आपके पास तरह तरह के थ्योरीज हैं, आंकड़े हैं पहले से दिए हुए, ठीक है। तो क्या करेगा जो रिसर्चर है उनको उनका एक सामान्यकरण तक उसके उनके जो सामान्यकरण है जनरलाइजेशन तक पहुंच जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया पर सीखे गए विषय की सार्थकता निर्भर करती है या नहीं करती, ठीक है। या फिर इसके अलावा आत्महत्या जैसे विषय हैं, हत्या जैसे विषय हैं जिन पर डेटा कलेक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हम पुस्तकालय शोध ऐसे विषयों पर करते हैं जिन पर डेटा कलेक्शन हम नहीं कर सकते, और आप जो पुरानी जो रिसर्चर्स हैं या पुरानी थ्योरीज हैं उनको अध्ययन करते हैं और उनके आधार पर आप अपने जनरलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा सिद्धांत रचना जो मैंने आपको दूसरा उसका प्रकार बताया था, दूसरा टाइप बताया था, थ्योरी कंस्ट्रक्शन, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, इसमें हम किसी थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, किसी सिद्धांत की इसमें रचना करते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे मनोविज्ञान में थ्योरीज बनी हुई हैं पहले की, जैसे आप मान लीजिए सिगमंड फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणात्मक साइकोएनालिटिक थ्योरी दी है। तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने थ्योरीज दी हैं अपनी, ऐसे या तो आप किसी नई थ्योरी को बनाएंगे, मान लीजिए आपने कहा कि जैसे सीखने के क्षेत्र में ही, लर्निंग के क्षेत्र में ही पेवलोव ने अपनी थ्योरी दी है और स्किनर ने अपनी थ्योरी दी है, थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी दी है, तो अगर आपको लगता है कि इन थ्योरी से अलग कोई और थ्योरी भी हो सकती है, ठीक है, हम और भी कुछ इसमें कर सकते हैं कि सीखने पे कोई और क्रिया भी निर्भर करती है, कुछ और प्रक्रिया भी निर्भर करती है, या तो आप एक नई थ्योरी देंगे या फिर आप क्या करते हैं जो पुरानी थ्योरीज होती है उनका उनको आगे को डेवलप करते हैं कि हाँ इनमें इतनी चीजों को और भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन जो आजकल साइकोलॉजी में थ्योरी कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, वो बहुत साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, उसमें वेरिएबल्स का बहुत ध्यान रखा जाता है और काफी उसको ना सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है। लेकिन जो पुरानी थ्योरीज बनी हुई है साइकोलॉजी में, चाहे आप फ्रॉइड की थ्योरी ले लीजिए, हल्की रखकर सीखना की थ्योरी है, पुरानी बहुत सारी थ्योरीज है, उनको अगर आप लेंगे ना तो उसमें क्या है, वो उतना उनको साइंटिफिक तरीके से नहीं बनाया गया है और उनमें वेरिएबल्स का इतना ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन अब जो थ्योरी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनमें वेरिएबल्स का बहुत ध्यान रखा जाता है और एक साइंटिफिक मेथड से, एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको बनाया जाता है। तो आप मनोवैज्ञानिक शोध में दोनों तरीके के शोध कर सकते हैं, या तो आप थ्योरी कंस्ट्रक्शन करेंगे या आप लाइब्रेरी रिसर्च करेंगे। इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक शोध यानी कि साइकोलॉजिकल रिसर्च का तो दूसरा शोध है, आनुभाविक शोध, एम्पिरिकल रिसर्च जिसको हम कहते हैं, इसका सीधा तात्पर्य होता है प्रयोगात्मक शोध से, ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। अब यहाँ पर बात वही आती है डेटा कलेक्शन की, जो आजकल साइकोलॉजी में रिसर्चेस हो रही हैं, जो आजकल चलन में है या जो सारी रिसर्चर आजकल रिसर्च कर रहे हैं वो आनुभाविक शोध कर रहे हैं, एम्पिरिकल रिसर्च कर रहे हैं, जिसको हम आम भाषा में, सामान्य भाषा में जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इसमें डेटा कलेक्शन करने के साथ साथ हम वेरिएबल्स का बहुत ध्यान रखते हैं। अभी आप आगे आप जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, कैसे उनमें मैनिपुलेशन किया जाता है। तो जो अभी रिसर्चेस साइकोलॉजी में चल रही हैं वो एम्पिरिकल रिसर्चेस हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस हैं, जिसमें शोधकर्ता यानी कि जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करके, कोरिलेशन मेथड को यूज करके और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, इनको यूज करके वेरिएबल्स को लेता है, वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन करता है, डेटा कलेक्शन करता है, डेटा को एनालाइज करता है, उसके बाद फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट अप्लाई करता है, उसके बाद किसी कंक्लूजन में पहुंचता है। तो इसके मतलब जैसे आप इसको अगर किसी उदाहरण से अगर आप समझना चाहें, इसमें जो मैंने आप कहा कि ऑब्जर्वेशन होता है मनोवैज्ञानिक शोध में, ऑब्जर्वेशन का आपने नाम सुना होगा, प्रेक्षण कहते हैं जिसको हम, आपने आप भी हम ना आम भाषा आम दिनों में अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, ठीक है, आप अपने बच्चों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगर आप स्कूल में हैं आप स्कूल के बच्चों को भी ऑब्जर्व करते हैं ना, देखते हैं ना कि क्लास में कौन सा बच्चा बहुत उदास बैठा है, क्लास में कौन सा बच्चा बहुत एग्रेसिव नेचर का है, कौन छुप छुप के शैतानियां करता है, कौन बिल्कुल शांत होके बैठा रहता है। तो जो ये ऑब्जर्वेशन है इसका यूज हम डेली लाइफ में भी करते हैं, तो ऐसी साइंटिफिक ऐसी साइकोलॉजिकल जो रिसर्चेस होती हैं इनमें भी ऑब्जर्वेशन का यूज किया जाता है। ऑब्जर्वेशन में क्या करता है रिसर्चर, किसी घटना का ना, किसी घटना का
चुपचाप से बैठ करके या फिर उसमें पार्टिसिपेट करके दोनों तरीके से उसका अवलोकन करता है, उसको देखता है, उसके बाद उसका रिकॉर्ड तैयार करता है, उसके बाद उस रिकॉर्ड को तैयार करने के बाद उसका एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, उसके बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है। अब मान लीजिए आप एक रिसर्चर है, उसने खेल के मैदान में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना है कि जो बच्चे किसी ग्राउंड में होते हैं, वहां पर खेल रहे होते हैं, तो उनका व्यवहार कैसा होता है, तो उसके मतलब उनका जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उनमें उस ग्रुप में उनका व्यवहार कैसा होता है। मान लीजिए अगर वो ऐसा जानना चाहता है तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेगा, वो चुपचाप कहीं पर बैठ जाएगा और बच्चों के द्वारा दिखाए गए महत्वपूर्ण भावों को, ठीक है, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को और अन्य तरीके के जितने भी व्यवहार होते हैं उनका एक ब्यौरा तैयार करेगा, ठीक है, और उसके बाद इस जो ब्यौरा वो तैयार करेगा उसका एनालिसिस करेगा, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि खेल के मैदान में जो बच्चों का व्यवहार है वो आक्रमणकारी था या सामान्य था। ठीक है, अगर कुछ बच्चों का व्यवहार आक्रमणकारी था और कुछ बच्चों का व्यवहार सामान्य था, जिन बच्चों का व्यवहार आक्रमणकारी था अधिकतर जो लीडरशिप थी उस ग्रुप की वो उन्हीं के हाथ में थी, ठीक है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स पर वो पहुंचता है। अब ऑब्जर्वेशन भी ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्वाभाविक प्रेक्षण, ठीक है, यानी कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम नेचुरल सिचुएशन में रहकर ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो ये खेल के मैदान में बच्चों के व्यवहार का, उनके बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन वो रिसर्चर कर रहा था, वो क्या थी, वो नेचुरल सिचुएशन थी, वो नेचुरल सिचुएशन में रह करके उन बच्चों का ऑब्जर्वेशन कर रहा था, यानी कि किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, रेलवे स्टेशन में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब हम किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं तो वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहलाता है, ठीक है। इसके ही अलावा जो दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है वो लैब ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें हम क्या करते हैं किसी प्रयोगशाला में, ठीक है, लैब में, साइकोलॉजी की आपको पता है लैब्स होती हैं, जैसे साइंस में और सब्जेक्ट्स की होती हैं वैसे भी साइकोलॉजी में भी लैब होती हैं, तो जहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वहां पर उस लैब में एक नियंत्रित अवस्था में, कंट्रोल कंडीशन में रह करके वो ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है, तो ये दो तरीके के ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि उद्देश्य के अनुसार मनोवैज्ञानिक शोधों के कितने भागों में बांटा गया है, तो इतना भी ये जानने की जरूरत इसको है नहीं, वैसे ये फंडामेंटल रिसर्च है या फिर इसको हम प्योर रिसर्च कहते हैं, इसके अलावा अप्लाइड रिसर्च है जिसको हम मूल शोध कहते हैं, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम की, जैसे ठीक है, तो ऐसे ही परीक्षण या शोध की जो शुरुआत होती है वो समस्या से होती है, आपके पास कोई समस्या होनी चाहिए तभी आप उसको उसका आप ये समझ लीजिए आप उसका समाधान करेंगे फिर पूरे शोध में या पूरे प्रैक्टिकल में। तो समस्या बेसिकली एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है, हमेशा एक प्रश्न को लेकर के चलता है कि दो चरों के बीच में आपस में क्या संबंध होगा, दो वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या संबंध होगा। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में 50 बच्चे हैं, तो आपको क्या देखना है उन 50 बच्चों की अचीवमेंट और आईक्यू के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, किसी 10वीं क्लास के या 10th क्लास के हाई स्कूल के बच्चों के अचीवमेंट और आईक्यू में क्या रिलेशन होता है, ये समस्या हो गई। अब आपने समस्या ले ली, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप उस 10th क्लास के बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट भी करेंगे और आईक्यू टेस्ट भी करेंगे, और उस टेस्ट को करने के बाद आप दोनों के बीच का संबंध देखेंगे। तो क्या करा, आपने समस्या ली और उसके बाद उस समस्या को अपने शोध या अपने परीक्षण या प्रयोग के दौरान सॉल्व करने की कोशिश करी, या फिर आप ऐसा सोच एक समस्या को और समझ सकते हैं कि स्कूल के छात्रों में चिंता तथा बुद्धि के बीच में क्या संबंध होता है, यानी कि कोई स्कूल के बच्चे हैं उनमें एंजाइटी और इंटेलिजेंस के बीच में क्या संबंध होता है। आपने समस्या ले ली, अब क्या संबंध होता है, इसका उत्तर कुछ भी हो सकता है, धनात्मक संबंध भी होता है और हो सकता है इसका उत्तर, और ऋणात्मक संबंध भी हो सकता है कि ठीक है चिंता और बुद्धि के बीच में पॉजिटिव रिलेशन आपको मिल गया या फिर नेगेटिव रिलेशन मिल गया, अचीवमेंट और आईक्यू के बीच में आपको पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल गया, ये भी हो सकता है कि नेगेटिव रिलेशन देखने को मिल जाए। तो बेसिकली समस्या क्या होती है, एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसका निर्माण आप अपने शोध के
किस को शुरू करने के लिए करते हैं, अपने परीक्षण को शुरू करने के लिए करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं उसको पूरे शोध के दौरान उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आप एक रिजल्ट दे सके। ठीक है, जब हम समस्या का चयन कर लेते हैं, इतनी बात समझ में आ गई आप सबको? जी या नींद आ गई है सबको? यस मैम, आ गई, आ रहा है ना समझ में? जी मैम। ठीक है जी मैम। तो जब हम समस्या का चयन कर लेते हैं, ठीक है, अब हमने अपनी प्रॉब्लम ले ली, ठीक, अब उस प्रॉब्लम को लेने के बाद मनोवैज्ञानिक शोधों में चरों का बहुत महत्वपूर्ण होता है, वेरिएबल्स का, ठीक है, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक शोधों में एजुकेशनल रिसर्चेस जितनी भी होंगी उनमें वेरिएबल्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, चर जिसके मान परिवर्तित होते हैं, जो वेरी करते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि शैक्षणिक शोधों में हर जगह चर का बहुत महत्व होता है, लेकिन आप मनोविज्ञान में खास तौर पर देखेंगे इसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, ठीक है। यहाँ जो चर है, जो वेरिएबल है, उसका जो तात्पर्य है, जो उसका अर्थ है, वो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी चीज के गुण से होता है, और उस गुण से होता है जिसको मापा जा सके, बुद्धि है, चिंता है, तनाव है, ठीक है, वो ऐसा गुण है जिसका मापन किया जा सकता है, व्यक्तित्व है, क्या कर सकते हैं आप, इसका मापन कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं इसका। तो मनोवैज्ञानिक शोध में वेरिएबल्स का अर्थ क्या होता है, वेरिएबल्स का अर्थ उन हर चीज के गुण से होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, घटना हो, कुछ भी हो, उस चीज के गुण से होता है जिसको मापा जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है, और उसे ही मनोविज्ञान में चर की संज्ञा दी जाती है, उसे ही मनोविज्ञान में चर कहा जाता है। मनोविज्ञान में जो चर होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। बहुत बार अब आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे तो बहुत बार पूछा जाता है कि चर कितने तरीके के होते हैं। आप अभी इसके बाद अगर मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल होता है तो एग्जामिनर बहुत बार ये क्वेश्चन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। बहुत बार आप आपके सामने प्रैक्टिकल रखा होगा आपका, और आपसे पूछेंगे कि आपने बताइए पर्सनैलिटी टेस्ट किया, क्या प्रॉब्लम ली थी आपने, क्योंकि वो बेसिक है उस चीज का। आप जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं लेंगे तब तक आप किसी परीक्षण में आगे नहीं बढ़ सकते। पूछा जाता है कि मनोवैज्ञानिक शोध में चर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक शोध में जो चर होते हैं, जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जिनके बारे में बहुत, ऐसे तो कई सारे विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में बहुत सारे चर होते हैं, लेकिन जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बात है वो तीन चर होते हैं। स्वतंत्र चर, जिन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है, स्वतंत्र चर, पहला चर है स्वतंत्र चर जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। दूसरा होता है आश्रित चर जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, और तीसरा होता है संगत चर जिसे हम रिलेवेंट वेरिएबल कहते हैं। इसको संगत चर को बहिरंग चर, नियंत्रण चर के नाम से भी जाना जाता है, कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। अब इनके बारे में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें जो रिसर्चर होता है या जो प्रयोगकर्ता होता है वो जोड़ तोड़ यानी कि मैन्युपुलेशन कर सकता है, और मैन्युपुलेशन कर सकता है, जिसके मूल्यों में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। और इस चर के प्रभावों का अध्ययन आश्रित चर पे क्या पड़ रहा है, हमेशा अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र चर क्या है तो आप बताएंगे कि स्वतंत्र चर वो चर है जिसमें प्रयोग के दौरान प्रयोगकर्ता हस्तक्षेप कर सकता है, मैन्युपुलेशन कर सकता है, जोड़ तोड़ कर सकता है, ठीक है, और इसके जो मूल्य हैं, इसके जो मूल्य हैं उनमें परिवर्तन कर सकता है। और क्या करता है आश्रित, स्वतंत्र चर का आश्रित चर में क्या परिणाम पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन करता है। अब मान लीजिए किसी भी प्रयोग में, शोध में जो आश्रित चर होता है जिसके बारे में शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता कुछ पूर्व कथन यानी कि प्रिडिक्शन करना चाहता है। अच्छा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक रिसर्चर है, वो 5 साल के बच्चे में किसी व्यवहार, 5 साल के बच्चे में
विशेष व्यवहार कोई जैसे मान लीजिए सीखना यानी कि लर्निंग की प्रोसेस का अध्ययन करना चाहता है, ठीक है। अब वो विशेष रूप से ये देखना चाहता है कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर आप किसी बच्चे को सीखने के दौरान लर्निंग के दौरान अगर आप पुरस्कार देते हैं कि शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, लो ये तुम्हारा प्राइज है, तो अगर आप लर्निंग के दौरान किसी बच्चे को पुरस्कृत कर रहे हैं तो उस पुरस्कार का यानी कि उस पुनर्बलन का वो उस रेइंफोर्समेंट का उस बच्चे के सीखने की प्रक्रिया पर उसके लर्निंग प्रोसेस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए आप ये देखना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया में सीखना क्या है, सीखना है आश्रित चर, ठीक है। सीखना क्या हो गया, आश्रित चर हो गया। इसे आश्रित चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस चर में होने वाले परिवर्तन यानी कि जो स्वतंत्र चर है, यहाँ स्वतंत्र चर क्या है, पुरस्कार है, पुरस्कार में आप जोड़ तोड़ कर सकते हैं, ठीक है। आप पुरस्कार उसको कम भी दे सकते हैं, आप उसको पुरस्कार ज्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है, आप जोड़ तोड़ कर सकते हैं इसमें। तो आप इस पुरस्कार का क्या प्रभाव उसके सीखने में पड़ रहा है, सीखना क्या है, आश्रित चर है, तो पुरस्कार का प्रभाव यानी आश्रित चर का यानी कि पुरस्कार का प्रभाव यानी कि स्वतंत्र चर का प्रभाव उसके सीखना यानी कि आश्रित चर में क्या पड़ रहा है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आपके समझ में आ गया कि जब मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि स्वतंत्र चर क्या होता है, जिसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, जिसमें हम हस्तक्षेप करते हैं, जिसमें हम जोड़ तोड़ करते हैं, जिसकी मूल्यों को में हम परिवर्तन कर सकते हैं तथा जिसके प्रभाव जिसका प्रभाव हम आश्रित चर में क्या पड़ रहा है उसका अध्ययन करते हैं। तो अब आपने क्या देखा, आपने एक बच्चे का लर्निंग प्रोसेस का अध्ययन किया कि पुरस्कार अगर हम किसी बच्चे को दे रहे हैं तो उस पुरस्कार का उसकी लर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, आपने ये देखना चाहा। अब पुरस्कार क्या हो गया, पुरस्कार स्वतंत्र चर हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, पुरस्कार में जोड़ तोड़ कर सकते हैं, उसे कम ज्यादा कर सकते हैं, उसे कभी दे सकते हैं कभी नहीं दे सकते। मान लीजिए अगर वो एक टेस्ट में 10 नंबर लेके आया तो आपने पुरस्कार दे दिया, दूसरे तीसरे टेस्ट में 20 नंबर लेके आया, ठीक है, आपने उसे में नहीं दिया, फिर चौथे टेस्ट में फिर वो लेके आ गया तो फिर आपने दे दिया, तो आप उसमें जोड़ तोड़ कर रहे हैं पुरस्कार को, वो पुरस्कार देना आपके हाथ में है, ठीक है, लेकिन उस पुरस्कार देने का उसके सीखने पर यानी कि सीखना क्या हो गया, सीखना आश्रित चर हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो पुरस्कार का स्वतंत्र चर का सीखना यानी कि आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका आपने अपने रिसर्च में अपने प्रैक्टिकल में अध्ययन कर लिया। इसके अलावा जो तीसरा चर होता है वो होता है संगत चर, जिसको हम क्या कहते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रिलेवेंट वेरिएबल, रिलेवेंट वेरिएबल, ठीक है। संगत चर को और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम नियंत्रण चर भी कहते हैं यानी कि कंट्रोल वेरिएबल्स भी कहते हैं। अब संगत चर वैसे चर को कहा जाता है जिसके प्रभाव को आश्रित चर पर पड़ने से प्रयोग जो रिसर्चर है या जो प्रयोग करता है वो नहीं रोक सकता, इसलिए इसको नियंत्रित करके रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी ऊपर मैंने आपको उदाहरण दिया था उसमें आपने देखा कि सीखने पर पुरस्कार के प्रभाव के अध्ययन के लिए जो मैंने आपको अभी पूरा एग्जाम्पल बताया उसमें और भी तो बहुत सारे चर हैं, जैसे कि एज है, जेंडर है, बच्चों की संख्या है, ठीक है, ये हो गए कंट्रोल वेरिएबल्स। अब मान लीजिए आप एक स्कूल है, आप स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट एज के बच्चे होंगे, क्या आप सब एक संग सबका अध्ययन कर लेंगे, तब तो रिजल्ट बिल्कुल अलग अलग आ जाएंगे। 10 साल के बच्चे का रिजल्ट अलग आएगा, 10 साल की लर्निंग प्रोसेस अलग होगी, 15 साल की लर्निंग प्रोसेस अलग होगी, 20 साल की लर्निंग प्रोसेस अलग होगी, तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल करेंगे एज पर कि नहीं इस समय मुझे बच्चे लेने हैं तो 10 से 12 के बीच में लेने हैं, ठीक है। अगर मुझे जेंडर लेना है तो या तो मुझे सिर्फ मेल लेना है या तो सिर्फ मुझे फीमेल लेना है, अगर मैं मेल फीमेल दोनों ले रहा हूं तो मुझे उनमें भी क्या करना है, बीच में समायोजन करके रखना है, ठीक है। बच्चों की संख्या भी, अब आप तो आप इतने बड़े लार्ज स्केल में तो नहीं कर सकते किसी भी प्रैक्टिकल को, तो आपको देखना पड़ता है कि हाँ मुझे 10 लड़के लेने हैं 10 लड़कियां लेनी है, या फिर मुझे 10 बच्चे 20 वर्ष की आयु के लेने हैं 10 बच्चे 25 वर्ष की आयु के लेने हैं। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा और बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिन पर कंट्रोल करना पड़ता है, इसीलिए इन्हें कंट्रोल वेरिएबल्स कहा जाता है, इसीलिए इन्हें नियंत्रण चर कहा जाता है, क्योंकि जो प्रयोग करता है इनमें कंट्रोल करता है, ठीक है, क्योंकि इनका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ सकता है, और अगर इनका प्रभाव पड़ेगा तो फिर आप उसको उसको फिर रोक नहीं सकते, इसलिए उसको पहले से ही कंट्रोल करके रखना पड़ता है, ठीक है।
आप कभी आपसे पूछा जाए कि रिलेवेंट वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जेंडर है, एज है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ऐसी कुछ एग्जांपल याद करके रखिएगा और आप एग्जांपल देके समझा सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे अगर मैं प्रैक्टिकल करूंगा या ऐसे ऐसे मैं प्रैक्टिकल करूंगी तो फिर जो कंट्रोल वेरिएबल्स होंगे वो ये होंगे, मेरे को एज पर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, मुझे जेंडर में कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उनका जो प्रभाव है वो लर्निंग पर ना पड़े। अब बाद में आप रिजल्ट कैसे देंगे, मान लीजिए आपने एक 10 साल के बच्चे की लर्निंग प्रोसेस का अध्ययन करा, उसी के साथ आपने 15 साल के बच्चे की लर्निंग प्रोसेस का अध्ययन करा और लास्ट में आपने रिजल्ट दे दिया, तो वो रिजल्ट बायस हुआ या नहीं हुआ? होगा, ठीक है, यस मैम, होगा। हाँ, तो इसलिए उस पर क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। आ गया समझ में आपको तीनों चार? यस मैम। ठीक, हम बात करते हैं परिकल्पना की। जब हमने समस्या बना ली, फिर हमने अपने शोध के, अपने प्रयोग के चर भी देख लिए, अब हम बात करते हैं परिकल्पना की, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस सीधे अर्थ में प्रस्तावित उत्तर होता है किसी समस्या का। अब जो प्रस्तावित उत्तर होता है ना, जरूरी होता है कि जो ये प्रस्तावित उत्तर है ये जांचनी हो, ठीक है, ऐसा उत्तर बनाइए जो जांचा जा सके, जो आप आपका उससे रिलेटेड हो, ठीक है, आप अपने आप समस्या कुछ बनाया, उत्तर कुछ बना लिया उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो समस्या से मिलता जुलता जांचनी होना चाहिए, ठीक है।